अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को रीड किया था और एक्सप्लेनेशन देखा था इम्पीरियल पेंगुइन्स. ठीक है, इसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे पेंगुइन्स रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी में भी जिंदा रह पाते हैं. ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, कई मीलों तक ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इनके जो बेबीज रहते हैं वो अप्रोक्स 60 डेज में होते हैं. यस, और वो दोनों स्टार्टिंग में अपने बेबीज़ को, मम्मा और फादर जो पेंगुइन रहते हैं वो बेबीज़ को अनडाइजेस्टेड फूड देते हैं, जो पूरी तरीके से चबा के नहीं देते हैं, हाफ डाइजेस्टेड फूड देते हैं. ठीक है, तो आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 61. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन. एम्पीरियर पेंगुइन्स आर द डैश ऑफ ऑल द पेंगुइन्स. वो बाकी पेंगुइन्स की कंपैरिजन में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या आएगा, लार्जेस्ट. ओके, तो हम बी पर टिक करेंगे. नेक्स्ट है द एम्पीरियर पेंगुइन्स आर फाउंड इन. कहाँ पर पाए जाते हैं ये, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, अंटार्कटिक में पाए जाते हैं, तो हम बी पर टिक करेंगे. नेक्स्ट है इमीडिएटली आफ्टर द मम्मी पेंगुइन प्रोड्यूसेस द एग शी पुट इट ऑन हर. वो कहाँ पर अपने एग को रख लेती है, अपने फीट पर, पैरों के वहाँ, तो हम ए पर टिक करेंगे. नेक्स्ट है मम्मी पेंगुइन्स फीड देयर चिक्स विथ हाफ डाइजेस्टेड. मम्मी पेंगुइन्स क्या करती है, चिक्स को अनडाइजेस्टेड क्या खिलाती है, फिश खिलाती है, क्योंकि वो सी के पास में रहते हैं, समुद्र के पास में रहते हैं. तो यहाँ पर हम किस पर टिक करेंगे, सी पर, फिश पर. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 62. स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स. आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट है इम्पीरियर पेंगुइन्स आर एबल टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ द अंटार्कटिक विंटर्स. क्या इम्पीरियर पेंगुइन्स जो रहते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में भी अंटार्कटिक विंटर में रह लेते हैं. यस, इट्स अ ट्रू, तो हम टी लिख देंगे. नेक्स्ट, द फीमेल काउंटर पार्ट्स ऑफ इम्पीरियर पेंगुइन्स प्रोड्यूस टू एग्स. क्या जो फीमेल काउंटर पेंगुइन्स रहते हैं वो दो एग प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, वो सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों. नेक्स्ट, फादर पेंगुइन टेक्स द एग फ्रॉम बेबी ऑलमोस्ट एट वंस. क्या वो एक बार, फादर जो पेंगुइन रहता है वो मदर पेंगुइन से एक बार अपने एग को ले लेता है क्या संभालने के लिए. यस, हमने पढ़ा था कि मामा पेंगुइन से फादर पेंगुइन एक बार वो एक ले लेता है, तो इट्स ट्रू, तो हम टी लिख देंगे. नेक्स्ट है द एग इज कीप्ड वार्म बाय अ फोल्ड ऑफ फैदर्ड स्किन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द पेंगुइन स्टमक. क्या जो एग रहता है वो जो पेंगुइन की फैदर वाली जो फ्लफी फ्लफी स्किन रहती है उसके बीच में स्टमक के वहाँ पर रहता है क्या, हाँ, वो वहीं पर उसे रखते हैं ताकि वो ठंडा ना हो और वो फ्रीज ना हो, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट है द एग्स हैच 35 डेज. क्या एग 35 डेज में टूट जाता है, नो, 60 डेज लगते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है बच्चों, तो इस पर फॉल्स कर देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है, इस पर क्रॉस करेंगे. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 63. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, करेक्ट स्पेलिंग पर आपको सर्कल लगाना है. देखो, कैलीग्राफी की स्पेलिंग ये होती है. अब स्ट्रेचियस, स्टेज्ड की स्पेलिंग ये होती है, केयरफुल, प्लीसेंट, रॉन्ग, प्यूपिल, हैंडसम, ट्रबल, अवेक. अब स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग्स आपको ध्यान में रखनी है और आपको सर्कल लगाना है. इसके फोटोज़ भी मैं आपको शेयर करूँगी. इंसीडेंट, इरप्ट, रिसाइकल, यूनिटी, डाइजेस्टेड, स्कैटर, विजडम, डिवाइव और ग्लाइड. स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे कि क्यों मैंने इन वर्ड्स पर सर्कल किया है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग सही है. ठीक है, तो आप लोगों को इसका फोटो मैं शेयर करूंगी, तो आप भी इन वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी हर बार सही वर्ड पर सर्कल कर पाएँ.
नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 64 यहाँ पर आपको हैव हैज़ पर टिक करना है। देखिए हैज़ कब यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर नेम किसी एक पर्सन प्लेस के एनिमल के बारे में बात होगी तब हम हैज़ पुट करेंगे, और ही शी ईट होगा तब भी हम हैज़ पुट करेंगे। पर हैव कब पुट करेंगे, जब प्लूरल की बात आएगी, मोर देन वन की बात आएगी तब हम हैव पुट करेंगे। आई वी यू और दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, और ही शी ईट और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज पुट करते हैं। इसकी ग्रामर में एक अलग चैप्टर है तो हम उसे और डिटेल में तब भी पढ़ेंगे। अब देखिए मीना क्या है, सिंगुलर नेम है तो हैव आएगा कि हैज आएगा, हैज़ ही शी ईट और नेम के साथ में हैज़ लगता है तो हमने हैज़ पर लगाया। नेहा सिंगुलर है तो हमने हैज़ लगा दिया। दे प्लूरल होता है इसलिए हमने हैव लगाया। वी मतलब हम भी प्लूरल होता है इसलिए हैव लगाया। माय फैमिली एक फैमिली की बात हो रही है इसलिए हैज़ लगाया। माय कज़िन किसी एक कज़िन की बात हो रही है तो हैज़ लगाया। प्रतीक एंड हिज पेरेंट्स, अब देखो प्रतीक भी है और उसके पेरेंट्स भी हैं तो एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो हमने हैव लगा दिया। आई के साथ में हमेशा क्या लगता है बच्चों, हैव लगता है। सो स्टूडेंट्स इस अकॉर्डिंग हमने बुक एक्सरसाइज सॉल्व करी। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।